दोस्तों, अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हाईलाइट वीडियो। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। दरअसल दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस मैच की शुरुआत कप्तान टॉम लैथम के टॉस जीतने के साथ हुई थी, जहां उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और दोस्तों, पहले दिन का मुकाबला जब समाप्त हुआ तो यहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने 82 तो विल यंग ने 71 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को 235 रन के करीब पहुंचा दिया था। और यहां भारत की टीम को इस मुकाबले में बराबरी करने के लिए पहले 235 रन बनाने थे और फिर लीड चढ़ानी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ टीम इंडिया के लिए सब कुछ सही नहीं गया, क्योंकि यहाँ बल्लेबाजी में जब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत करी थी तब रोहित शर्मा मात्र 18 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। तो वहीं दोस्तों, फिर यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आए शुभमन गिल, लेकिन यहाँ यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच साझेदारी मात्र 55 रन की ही हो पाई और जायसवाल 30 रन बनाकर तभी आउट हो गए। अब ऐसे में दोस्तों, दो बड़े विकेट 78 रन के कुल स्कोर पर गिर जाने के बाद टीम इंडिया काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। और दोस्तों, ये दबाव फिर कम होने का नाम ही नहीं लिया। यहाँ पर मोहम्मद सिराज पहली गेंद पर आउट हो गए तो विराट कोहली भी 4 रन बनाकर मैट हेनरी द्वारा रन आउट हो गए थे पहले दिन। और भारत की टीम ने 84 रन के कुल स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। अब यहाँ शुभमन गिल 31 तो ऋषभ पंत 4 रन पर खेल रहे थे और तभी पहले दिन का मुकाबला समाप्त हो गया। अब दोस्तों, दूसरे दिन का मैच जब शुरू हुआ तो शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने एक बार फिर से पारी की शुरुआत करी, जहां दोनों बल्लेबाजों को बस कैसे भी करके भारतीय टीम को 200 रन के पार पहुंचाने की कोशिश करनी थी। और यहां यह दोनों बल्लेबाज ये करने में कामयाब भी हो पाए। दरअसल दोस्तों, ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच इस मुकाबले में 97 रन की साझेदारी देखने के लिए मिली, जहां ऋषभ पंत ने एक छोर से टिककर धुआंधार बल्लेबाजी करी तो उनका साथ निभाते हुए शुभमन गिल भी नहीं रुके। लेकिन दोस्तों, यहां आज दूसरे दिन के 38वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर इस सोडी ने ऋषभ पंत को LBW आउट कर दिया। और दोस्तों, गेंद भले टर्न हो रही थी लेकिन एम्पायर्स कॉल का शिकार होकर ऋषभ पंत डगआउट की तरफ लौटे और यहां पंत अपनी 60 रन की पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगा पाने में कामयाब हो सके थे। अब दोस्तों, ऋषभ पंत जब आउट हुए तब भारत की टीम ने 180 रन बना लिए थे। अब पंत के रूप में भारत की टीम को 5वां झटका लग गया था और मैदान पर बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा उतरे, जहां शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी हर चीज भारत के फेवर में नहीं जा सकती और तभी रविंद्र जडेजा 14 रन बनाकर ग्लेन फिलिप्स को अपना विकेट दे बैठे। और यहां जैसे ही जडेजा आउट हुए तो भारतीय पारी पूरी तरह से कोलैप्स होती हुई नजर आई। इस दौरान बल्लेबाजी करने उतरे सरफराज खान 4 गेंदों में बिना रन बनाए अपना विकेट खो बैठे, तो वहीं 90 रन बनाकर खेल रहे शुभमन गिल भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और शतक के इतना करीब आकर उन्होंने भी अपना विकेट एजाज पटेल को दे दिया। अब दोस्तों, यहां शुभमन गिल ने 90 रन की पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया था और काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी वो कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, यकीनन वो अपनी टीम के लिए शतक नहीं जड़ पाए और जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए फिर वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन पर अब पूरा दारोमदार था यहां से मुकाबले को 300 रन के करीब लेकर जाने का। लेकिन दोस्तों, अश्विन 6 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने हार नहीं मानी। उन्हें पता चल चुका था कि 9 विकेट तो वैसे भी गिर चुके हैं और अब इस मैदान पर अगर हमने तेज बल्लेबाजी नहीं की तो वैसे ही आउट हो जाएंगे। और यहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने 36 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 38 रन बनाकर भारतीय टीम को 263 रन तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, तभी आकाशदीप रन आउट हो गए और यहां भारत की टीम के 10 बड़े विकेट गिर गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि टीम इंडिया अब इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आने लग गई। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी ये थी कि भारत की टीम ने 28 रन की बढ़त न्यूजीलैंड के ऊपर ले ली थी। टीम इंडिया के लिए अब हर चीज हमारे फेवर में थी। लेकिन दोस्तों, अब मैदान पर गेंदबाजों को चमत्कार कर दिखाना था, क्योंकि दूसरी पारी में गेंद काफी ज्यादा घूमती हुई नजर आ रही थी तो भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए तैयार थे। अब दोस्तों, यहां हर कोई सोच रहा था कि रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर पहले ही ओवर से गेंद
गेंदबाजी करवाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ कप्तान रोहित शर्मा के विचार कुछ अलग थे। उन्होंने फैसला किया कि वो आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आएंगे। और दोस्तों पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप ने मौका बना दिया था टॉम लैथम को आउट करने का, लेकिन DRS की वजह से वो बच गए। और वैसे भी गेंद उनके बल्ले से टकरा गई थी, LBW आउट की अपील तो खारिज थी। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर आकाशदीप को गुस्सा आया और उन्होंने टॉम लैथम की गिल्लियां उखाड़ फेंकी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम को यह पहला बड़ा झटका लगा और टॉम लैथम कप्तान इस मुकाबले में मात्र एक रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दोस्तों ये विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे डेवॉन कॉनवे का साथ निभाने विल यंग, जहां डेवॉन कॉनवे और विल यंग पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। दोनों बल्लेबाजों ने चाय काल तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 40 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों तभी वॉशिंगटन सुंदर ने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेवॉन कॉनवे के बल्ले का भारी किनारा लगवाते हुए शुभमन गिल के हाथों में कैच पकड़वा दिया। और यहां डेवॉन कॉनवे 47 गेंदों में 2 चौकों की बदौलत 22 रन बनाकर आउट हुए। और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दूसरा विकेट 39 रन के कुल स्कोर पर खोया। अब दोस्तों यहां न्यूजीलैंड ने 2 बड़े विकेट खो दिए थे और अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र उतरे, जहां विल यंग और रचिन रविंद्र कोशिश कर पाते स्कोर को आगे बढ़ाने की। उससे पहले ही रविचंद्रन अश्विन ने अपनी जादुई गेंदबाजी से रचिन रविंद्र को झका दिया और यहां आगे बढ़कर शॉट खेलने के लिए मजबूर किया उनको। और पंत ने दस्तानों में गेंद पकड़कर जल्दी से उनको स्टंप आउट कर दिया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा और रचिन रविंद्र 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। और ऐसे में दोस्तों ये 3 बड़े विकेट न्यूजीलैंड की टीम के जब गिरे तो न्यूजीलैंड का स्कोर मात्र 17 रन से भारत के कंपैरिजन में आगे हो पाया था और भारतीय टीम के लिए सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। अब यहां विल यंग और डेरिल मिचेल ने भारतीय टीम पर दबाव बनाने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाज अब एक अलग लय में चल रहे थे। दरअसल विल यंग और डेरिल मिचेल ने मिलकर न्यूजीलैंड के लिए चौथे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी कर डाली थी। लेकिन दोस्तों तभी रविंद्र जडेजा को रविचंद्रन अश्विन की जगह पर कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद थमाई और जडेजा ने जैसे ही 28वां ओवर करवाया तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेरिल मिचेल आगे बढ़कर छक्का लगाने के लिए गए। लेकिन दोस्तों लॉन्ग ऑफ की तरफ खड़े रविचंद्रन अश्विन ने शानदार कैच लेकर न्यूजीलैंड की टीम को यह चौथा झटका दिया और डेरिल मिचेल जो कि एक अच्छे बल्लेबाज नजर आ रहे थे उनका विकेट गिरते से ही भारतीय टीम ने यहाँ न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया। क्योंकि दोस्तों हुआ ये था कि अब विल यंग तो मैदान पर टिके हुए थे और अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी टीम को लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और उनका साथ निभाने के लिए अब टॉम ब्लेंडल मैदान पर उतरे, जहां उन्होंने आते से ही पहली गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो आखिरकार करने के लिए क्या आए हैं। अब दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को यह रोकने का सबसे सुनहरा मौका था, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बस 70 रन की बढ़त थी और भारत की टीम ने 4 विकेट उनके गिरा भी दिए थे। और यहां न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी अब टॉम ब्लेंडल के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जहां ग्लेन फिलिप्स, ई सोडी, मैट हेनरी, एजाज पटेल जैसे बल्लेबाज इन पिच पर खेलने के लिए बने ही नहीं थे। और यहां भारतीय गेंदबाज रवि अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा ने मिलकर एक के बाद एक विकेट गिराने शुरू कर दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम यहां भारत के खिलाफ 100 रन भी बनाने में कामयाब नहीं हो पाई और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को एक तरफा हार दे दी है। अब दोस्तों आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी शानदार गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया के बल्लेबाजों गेंदबाजों को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे इस प्रदर्शन के लिए? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।